सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए फॉर नेवर मिस एनी अपडेट्स। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरनल लिंक के बारे में बताऊंगा। इंटरनल लिंक में बेसिकली हम एक ही वेब पेज पर टॉप से बॉटम में और बॉटम से टॉप पर नेविगेट कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर कैसे जाते हैं या एक ही वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे जाते हैं ये बताया था, बट इस वीडियो में हम सेम वेब पेज पर टॉप से बॉटम में और बॉटम से टॉप में जाएंगे। उसके लिए अगर आप कभी भी पेज जंप करेंगे तो उसके लिए दो आइटम की जरूरत पड़ती है। एक में हमको आईडी स्पेसिफाई करनी पड़ती है जिससे कि हम उस लिंक को आइडेंटिफाई कर पाए, और दूसरा हमें HRF का यूज करना होता है। सो, मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा इस चीज जो स्लाइड पे दे रखी है, जहां पर मैंने लिखा हुआ है दिस इज टॉप और वहां पर एक आईडी दे रखी है एंकर टैग में टॉप, उसी के नीचे एक और एंकर टैग दे रखा है उसमें HRF दे रखा है। आपने नोटिस किया मैंने दो एंकर टैग यूज किए हैं, एक में मैंने आईडी स्पेसिफाई कर रखी है और दूसरे में मैंने HRF स्पेसिफाई कर रखा है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एंकर टैग में और हाइपरलिंक में भी एक थिन डिफरेंस होता है। जिन एंकर टैग में आईडी होती है और HRF एट्रीब्यूट नहीं होता है उनको एंकर टैग कहा जाता है। जिनके अंदर HRF नाम का जो एट्रीब्यूट होता है अगर वो होता है तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। तो डिफरेंस किसका है? HRF एट्रीब्यूट का। विदाउट HRF इट इज नोन एज द एंकर टैग, विद HRF एट्रीब्यूट इट इज नोन एज द हाइपरलिंक। आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसमें, जब कभी हम हैश का साइन लगाते हैं HRF के साथ, इसका मतलब हम इस आईडी को यूज कर रहे हैं। और जब कभी आईडी में जैसे यहां तो हैश लगानी है टॉप के साथ, तो यहां पर इसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये एक एंकर टैग है। तो जैसे ही मैं क्लिक हेयर फॉर बॉटम वाले लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे पेज में एक बॉटम नाम की आईडी सर्च करेगा, जो कि मैंने ऑब्वियस है नीचे दे रखी है आईडी इज इक्वल टू बॉटम। अब यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे क्लिक हेयर फॉर टॉप तो ये फिर टॉप पर चला जाएगा। देखिए यहां पर हमने हैश का साइन लगा रखा है, इट मींस अब जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये टॉप नाम की आईडी कहीं ना कहीं क्या करेगा, सर्च करेगा। सो, इसके ऊपर एक छोटा सा मैं आपको डेमो पढ़ाने जा रहा हूं, वो आप देख लीजिए। ये अज्यूम किया जा रहा है आप नोटपैड एक्सेस कर लेंगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसमें मैंने HTML लिखा बॉडी, यहां पर स्पेसिफाई किया वी आर ऑन टॉप, यहां पर एक आईडी स्पेसिफाई कर दी एंकर आईडी इज इक्वल टू टॉप। उसके बाद मैंने एक हाइपरलिंक लगा रखा है और यहां पर स्पेसिफाई किया क्लिक हेयर फॉर बॉटम। तो वंस यू क्लिक ऑन दिस ये आपको कहां लेके जाएगा, एक बॉटम नाम की आईडी पर ले जाएगा, वो मैंने बिल्कुल बॉटम में स्पेसिफाई की हुई है। सो, जब आप बॉटम में आएंगे सी यहां पर एक आईडी क्या दे रखा है बॉटम। Once you click here, जैसे ही आप क्लिक हेयर फॉर टॉप पर क्लिक करेंगे ये टॉप नाम की आईडी आपकी चेक करेगा। So, जैसे ही आप नीचे यहां पर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो ये टॉप नाम की आईडी पे चला जाएगा दिस वन। तो आप इसे एक बार एग्जीक्यूट करा के देखें। वंस यू राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम देन क्रोम पर आप गए और ये वो हाइपरलिंक थी, क्लिक करेंगे देखिए बॉटम पर आ गए, अभी देखो टॉप दिखाई नहीं दे रहा हमको। वंस यू क्लिक हेयर फॉर टॉप देन टॉप पर आ गए। सो, इससे हमने सिंपल क्या सीखा कि हाउ वी नेविगेट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। एक चीज और इसी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक एंकर टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आईडी एट्रीब्यूट का यूज किया है, वैसे ही आईडी की जगह पर आप नेम नाम का एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं टू यूनिकली आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर टैग। सी, जैसे नेक्स्ट मैंने यहां पर एंकर टैग नेम दे रखा है नेम इज इक्वल टू DD1। तो जहां कहीं भी ये DD1 नाम की
नेम को आप यूज कर रहे होंगे, वहां से ये डायरेक्टली फिर कहां पर नेविगेट करेगा जहां पर ये नाम स्पेसिफाई है। सो डिफरेंस पुराने वाले डेमो में और इसमें बस इतना ही है कि उस पुराने डेमो के अंदर मैंने आईडी से यूनिकली उसे आइडेंटिफाई किया है और यहां पर मैं किससे कर रहा हूं, नेम से कर रहा हूं। इसका भी आप एक डेमो देखें, आप नोटपैड पर आए और यहां पर आपने सिंपल बॉडी टैग के अंदर आके सिंपल नाम स्पेसिफाई किया हुआ है। सी एंकर टैग, उसमें नेम नाम का एक एट्रीब्यूट है एंड व्हाट वी आर स्पेसिफाइंग DD1। तो जहां कहीं भी इस लिंक को यूज किया होगा, जैसे आपने ऊपर देखा होगा मैंने चार हाइपरलिंक लगा रखे हैं, क्लिक हियर फॉर DD1, क्लिक हियर फॉर DD2 और यहां पर उनके नाम को स्पेसिफाई किया हुआ है। आपको यह समझना पड़ेगा जहां कहीं भी हम इसे यूज करते हैं वहां पर हम हैश सिंबल का यूज करते हैं। सो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे वो आपको DD1 पर नेविगेट करा देगा, अगर आप क्लिक हियर फॉर DD4 पर क्लिक करेंगे तो आपको DD4 नाम के नेम पर नेविगेट करा देगा। यहां पर इस प्रोग्राम में सिंपल आपको डिफरेंस ही ये समझना है कि हम आईडी की जगह पर नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। सी मैं आपको इसका आउटपुट दिखाना चाहूंगा, आप क्रोम पर आए और क्लिक हियर फॉर DD4। वंस यू क्लिक हियर, देखिए आप यहां पर मेरे DD4 आईडी में कई सारे सेंटेंसेस लिखे हुए थे। फिर से आप स्क्रॉल बार के वाया ऊपर जाएं, देन क्लिक ऑन DD3, वही चीज आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेज पर स्क्रॉलिंग दिखाई दे रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इंटरनल लिंक के बारे में बताया है। अगले वीडियो में फिर मैं एक नए टैग के साथ आऊंगा। आज के लिए थैंक यू।